हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल साइलेंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए यार नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड सफिक्स। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। तो पिछले टॉपिक्स में हम बताए थे अकॉर्डिंग टू ईपीएससी नेमिंग सिस्टम का रूल बताए थे। तो उसमें हमने काचे बोले थे कि परफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस क्या सफिक्स। तो अब हम चलते हैं सफिक्स है तो क्या है। तो सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। तो अब हम जानेंगे सफिक्स क्या है। तो सफिक्स लिखे हैं अनुलग्न, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? अनुलग्न। तो इसमें क्या बोलेंगे? इन द नेम ऑफ कौन सी कंपाउंड? द वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर द कौन सी वर्ड? इज कॉल्ड क्या? सफिक्स। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जिसे रूट वर्ड के बाद उसके बाद रूट वर्ड के बाद काच किया जाता है। रूट वर्ड कहने का मतलब यार का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कौन सा आइटम? और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते थे? C1 का मेथ, C2 का C3 का C4 का C5 का C6 का। से कहने का मतलब हमने कहां तक बताए थे? डेक तक। डेक और यानी 100 तक भी बताए थे पिछले वीडियो में। तो हमने कल 20 तक भी कंप्लीट करवा दिया था। यानी कहने का मतलब 12 तक 20 बहुत काफी है यार। तो कहने का मतलब ये है कि रूट वर्ड के बाद काची करेंगे सफिक्स। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कौन सा एटम? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहने का मतलब है यार अभी जस्ट बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जिसे किससे रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे काची हो जाएगा नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर काची प्लस रूट वर्ड प्लस क्या सफिक्स। तो सफिक्स में यार और सफिक्स में आते हैं कौन सा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बोलो तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। तो यार जो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यानी संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी बॉन्ड आते हैं? सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी बॉन्ड? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं जो 1 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? और जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं यानी हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह जो जो कौन सा? 2 डिग्री सफिक्स, बोलो तो। क्लियर हो गया होगा? तो बोलो 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या आए हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्केन कौन से बॉन्ड को करता है? और एल्कीन, एल्काइन और उसके बाद कौन सी ग्रुप आएंगे? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप बताओ 2 डिग्री सफिक्स की 1 डिग्री सफिक्स? 2 डिग्री सफिक्स ना। अब देखो, अब तो ये बात समझ में आ गया हो यार। तो सफिक्स केरा बोलेंगे जो रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? सफिक्स। हो जाएगा। और सफिक्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला सरका, यहाँ पे लिखे हैं बोलना, अभी स्ट्रक्चर को बता दिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। सफिक्स किसे कहते हैं एक बार जरा बोलो तो। सफिक्स है तो
क्या है, तो बोलना बोलना इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड व्हिच डिटरमाइंड, द वर्ड व्हिच डिटरमाइंड द नेचर ऑफ पैरेंट चैन, पैरेंट चैन या दैट मींस बोलो तो या पैरेंट चैन जो होगा वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड होगा। यानी कहने का मतलब हम ये बताए थे कल कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन बोलो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन किसके बराबर हो रहा था, पैरेंट चैन या मेन चैन, पैरेंट चैन या मेन चैन। तो कहने का मतलब यार जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में यानी पैरेंट चैन में या मेन चैन में डबल बॉन्ड या कौन सी बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कौन सी बॉन्ड आ जाए, तो कहने का मतलब है या सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, तो ओकरा बोलेंगे हम का ची प्राइमरी सफिक्स की सेकेंडरी सफिक्स। यानी कहने का मतलब बोलना जिस पैरेंट चैन में बोलो तो जिस पैरेंट चैन में कौन सी बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ओकरा बोलेंगे कौन चैन, प्राइमरी सफिक्स, कौन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। याद हो गया होगा, याद हो गया हो ना, बोलना हो बोलना ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वासा, नाम का वासा जो पैरेंट चैन की, जो पैरेंट चैन की प्रकृति का निर्धारण करता है। यानी प्रकृति यानी नेचर का मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्धारण करता है, उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स। क्लियर, तो यार यहाँ पे लिखे हैं क्या कि प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो किकरा रूट वर्ड के बाद, तो यहाँ पे बोले हैं क्या अभी जस्ट बोले कि रूट वर्ड के बाद कौन से वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद किसका प्राइमरी सफिक्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखे बोलना इन द नेम ऑफ बोलो तो इन द नेम ऑफ कौन सी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन सी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कम जस्ट आफ्टर बोलो तो कम जस्ट आफ्टर द कौन वर्ड, रूट वर्ड। यानी कहने का मतलब है कि रूट वर्ड के बाद जस्ट आएगा कौन, प्राइमरी सफिक्स, अरे कौन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो बोलना ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स को किकरा बाद लिखा जाता, रूट वर्ड के बाद लिखा जाता। और रूट वर्ड के मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद किकरा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है। बोलो क्लियर हो गया होगा। तो यार यहाँ पे देखना अब कहने का मतलब है कि नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चैन कौन सी चैन, यानी लंबका बोलिए ना रे, लंबका कहे का मतलब है कि लंबी श्रृंखला, कौन श्रृंखला, यानी नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चैन कौन चैन रे, और नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चैन में कौन बॉन्ड आएंगे, तीन बॉन्ड। अरे टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितना आएंगे, पहला सरका सरका, क्लियर। अब जो है और जो टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होंगे वो कौन सा सफिक्स में आएंगे, वन डिग्री सफिक्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने कौन से सफिक्स, वन डिग्री सफिक्स। तो बोल लो सैचुरेटेड में कौन सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आया तो कौन सा ग्रुप को, एल्केन ग्रुप को, कौन सा ग्रुप को, अब आओ एल्केन में जरा सफिक्स मालूम होगा आप लोग को ए एन ई कोनी, अब बताओ अब अनसैचुरेटेड में हम बोले यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी बॉन्ड आती है, डबल बॉन्ड। तो एकरा में बताओ डबल बॉन्ड होता है वो कौन से ग्रुप को इंडिकेट करता है, एल्कीन। अरे कौन रे, एल्कीन। और एल्कीन का सफिक्स होता है ईएन। अब बताओ और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है केकरा इंडिकेट करेगा, एल्काइन के। और एल्काइन के सफिक्स का होता है वाई एन ई का, वाई एन ई आप लोग को याद हो गया होगा। एल्केन का सफिक्स एन ई, बताओ एल्कीन का एन ई, एल्काइन का वाई एन ई। बोलो एल्केन कौन से ग्रुप को करता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो यार अब हम चलेंगे अब पिक्चर को हम देखो, आप देखो अब मेरी स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा,
अब पहले हम बताए थे क्या परफिक्स प्लस कौन सी वर्ड रूट वर्ड प्लस सफिक्स। आप देखो जरा अभी कितने पार्टों में बटा हुआ, दो पार्टों में, यानी सफिक्स कितने पार्टों में, दो पार्टों। तो स्ट्रक्चर अब डिफरेंट हो गया। तो अब हम पढ़े, अब ये स्ट्रक्चर बनेगा, बोलेंगे क्या परफिक्स, अरे बोलो रे प्लस कौन सी वर्ड रूट वर्ड प्लस का वन डिग्री सफिक्स और दूसरा का टू डिग्री सफिक्स। तब देखना कैसे करेंगे। पहले नंबर हम कल क्या बताए थे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है। यस सर। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा स्टेट में नजर रे। यस सर। तो बोल स्टेट में यानी लेफ्ट से कर या ना तो राइट से। तो बोल कंटिन्यूवा बताओ तीने ना आएगा। यस सर। यानी हम किकरा से करें, लेफ्ट से करे के मन है कि राइट से, दोनों से करे के मन है ना, एक ही तरह से करेंगे। वन टू थ्री बोलो। अब नंबर ऑफ आप बताओ, देखना जरा बताओ स्ट्रक्चर में, देखना इसमें बताओ प्राइमरी अधिक परफिक्स है, अरे परफिक्स है ना। आप देखो रूट वर्ड है, हाँ है, अरे रूट वर्ड है, बोलो कितना तीन, अरे एक दो तीन, तीन के बोला ये बाबू ब्रॉ, अरे क्या बोले रे। आप बोलो रूट वर्ड के बाद वन डिग्री सफिक्स है। यस सर। वन डिग्री सफिक्स है ना। यस सर। कौन सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकरा में लगा दे ए एन ई। आप बताओ रे टू डिग्री सफिक्स है। अरे टू डिग्री सफिक्स का नहीं मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो एकरा बोलो का प्रोपेन करे, प्रोपेन। आप एकरा बताओ हम सीधे दिए, यानी जब भी गिनवे तब स्टेट में अब तो हानी के मान हो लेफ्ट में करेगा कि राइट में, लेफ्ट से, अच्छा लेफ्ट से कर, वन टू थ्री फोर और बोलो परफिक्स है नहीं, अरे परफिक्स है नहीं। तो यहाँ पे परफिक्स बोलो रूट वर्ड है कितना, तो पांच के बोला ये कर, अरे पांच के बोला ये। आप बताओ अब रूट वर्ड के बाद वन डिग्री सफिक्स है। यस सर। सिंगल बॉन्ड है। यस सर। तो बोलो एल्केन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, तो वो लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे पेंटेन। आप देखो आप लग रहा छोरिए कुरिया इसे से मार रहा। यस सर। ना तो ये बताओ ये भी कौन चैन है रे, कार्बन चैन, अरे कौन चैन, कार्बन चैन, लहरिया कट मार रहा है ना रे। अच्छा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन कहाँ पे है सर, तो जहाँ पे लहरिया कटमा रहा ना वहां पे रुक रहा ना, तुम समझ रहे कार्बन। देखो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लहरिया कट मार के रुक गया और फिर इधर मुड़ा, तो यहाँ जहाँ पे मुड़ा गया वहां पे हमें कार्बन का नाम देना। बात समझ में आया, हम बोलेगा जहां पे लहरिया कट मारेगा कार्बन के नाम, कार्बन के नाम यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में काउंटिंग करना है कि नहीं करना, करना। तो आप बोलिए यार बोलो यहाँ पे लहरिया मारा। यस सर। तो यहूं पर दिए, यहूं मारा, यहूं दिए, यहूं मारा, यहूं दिए ना। तो बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना, सात के बोलेंगे का हेप्ट ना रे। यस सर। और एक में कौन बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, लिखेंगे हेप्टेन। अब जरा देख आप थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, अब एक रो करे के मन है। तो कल हम बताए थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से रूल को फॉलो करता है, लोवेस्ट लोकेट रूल को, तब बताओ। अब तो हनी के मान तो दोनों तरह से कर रहा होगा। यस सर। लेफ्ट वो से करे के मन होगा और राइट से, तो यहाँ कौन सी बॉन्ड पकड़ा गया, डबल बॉन्ड, कौन से रूल को फॉलो करता है, लोवेस्ट रूल से करे। वन टू थ्री और फोर बोलो कितने कार्बन, चार, चार कार्बन के बोले ही है, लेकिन जैसी डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उकरा बाबू इधर साइड पड़ेगा। अरे बात समझ में आया, तो ये बोलो कैमा पोजीशन पर है, दूसरा पोजीशन, चार कार्बन
के बोल दिलिए म्यूट और दूसरा पोजिशन पे है तो म्यूट टू और एक बताओ सफिक्स का होता है यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटी यानी ब्यूट टू अब एक आप तो हानि के एकरा करे के बाद होगा कि ना अच्छा एकरे आप देख लीजिए अब बोलो काउंटिंग लेफ्ट से भी करेंगे और राइट से किधर से करें तो है और लवर कौन कौन सी लोग और उनको फॉलो करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स बोलो कितने कार्बन छह कार्बन को और कैमा पोजीशन पर है दूसरा वन और थ्री बोलो समझ में आ गया आप बोलो लेफ्ट से करें कि राइट से लेफ्ट से बोलो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स बोलो कितने कार्बन छह कार्बन को और कितना वन तो वन आयन बोलो हो गया आप एक किधर से काउंटिंग करेगा लेफ्ट से करेगा कि राइट से राइट से काहे और ट्रिपल वन कौन से रन को फॉलो बोलो वन टू थ्री का लिखने बोलो कंप्लीट अब एक बताओ तो किधर से करेगा लेफ्ट से यानी काहे लेफ्ट से कि इधर से करेंगे तो तीन पोजीशन पे इधर से करेंगे ना तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और तो बोलो कितने कार्बन सात कार्बन को और कितना पे थ्री आए बोलो क्लियर तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा तो ये ना समझना यार कि लॉलीपॉप पढ़ा रहे हैं ना आगे चल के हम कहें के मतलब ये है कि जेकर हम बोले का आप बिहार बोर्ड के जितना भी क्वेश्चन मतलब जो पूछल गया है 2008 से लेके 2023 तक आप लोग को हम पूरा विश्वास दिलाए कि YouTube चैनल पे डालेंगे तो कहने का मतलब ये है कि बोरा से बोरा लेकर दम एग्जाम पास करे के है तो ओकरा हम कहां से लेके जीवे नीचे से के ऊपर से नीचे से तो कहे के मतलब है कि YouTube चैनल पे यार दम नीचे से लेके चल रहे हैं और कहां पहुंचाएंगे ऊपर कहे के मतलब ऊपर मतलब एग्जाम में हमारा पास करा के ठीक है yes. तो ये वाला समाज में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बोलो क्लियर आप देखो यार अब हमें अब देखो थोड़ी सी बोर्ड में टेंथ में ही पूछता है और ट्वेल्थ में ही पूछता है तो का टेंथ में पहला नंबर चार फॉर्मूला पे एकदम पक्का पूछता है का जरा समझ दो तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला एल्केन का जनरल फॉर्मूला एकदम पक्का पूछता है हर एक एग्जाम में खास करके बिहार बोर्ड में टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में सी एन एच टू एन प्लस टू अरे सी एन एच टू एन प्लस यानी कार्बन का डबल कार्बन का कौन रे हाइड्रोजन और कितना ज्यादा समझ जाना कि कौन सा ग्रुप का और आपको दे देगा यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से ग्रुप का मेंबर है तो आप लोग बता दीजिएगा पहला नंबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनेगा उसके बाद काच गिनेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कार्बन का डबल हो गया तो हम बोलेंगे कौन सा ग्रुप का एल्केन ग्रुप का आप देखो एल्कीन आप बताओ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला काच होता है सी एन एच टू ए यानी कार्बन का डबल कौन होगा यानी हो जाएगा तब बोलेंगे कौन सा ग्रुप का है आप देखिए एल्काइन का रे और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला का चौथा सी एन एच टू एन यानी कहने का मतलब है कि कार्बन का डबल कार्बन का कौन रे हाइड्रोजन और कितना काम होगा तो ये आपका एल्काइन का हो गया अब देखो और भी एल्केनॉल का भी फॉर्मूला पूछा है और प्लस में एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मूला पूछा है तो देखो अब देखो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला का चौथा रे सी एन एच टू एन प्लस
चलो क्लियर। अब देखो एल्केनॉल का फॉर्मूला का चुका एल्केनॉल का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन इंटू खाची रही। अरे समझ में आया? एक वो क्वेश्चन पूछा रहे रे एल्काइल हैलाइड कौन है लाइट एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन इंटू क्या बोलो कंप्लीट यानी ये छह वो पूछल है बोलो क्लियर yes, अरे हो जाएगा yes, सुन तो बताओ तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला एल्कीन का अल्काइन का एल्काइल का बोलो एल्केनॉल का बोलो एल्काइल हैलाइड का बोलो क्लियर। और एक वो आपसे पूछता है ईथर का फंक्शनल ग्रुप किसका और ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐसे है तो आर ओ आर ऐसे ही वाला क्वेश्चन पूछा है ना। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता आर ओ आर तो कहने का मतलब ए बाबू करे के कहे का मतलब है कि ए यहाँ पे दोनों तो एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप है तो स्मॉलेस्ट कार्बन चैन को बोलेंगे एल्काइल समझे जो ऑक्सी के रूप में जुड़ेगा और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन वाला जो होगा एल्केन फॉर्म में जुड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट चर्चा करेंगे लेकिन ये वाला समझ में आ गया होगा ये जो सात छेवू जो है ये फॉर्मूला ऑलरेडी का जनरल फॉर्मूला का किया गया पूछा गया तो ये वाला कंप्लीट हो गया होगा। तो यार एक बात इससे भी पूछा लेकिन क्वेश्चन कि एल्केन से एल्काइल कैसे बनता तो कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो पहला देखो जरा कि कार्बन का डबल कौन है रे और कितना ज्यादा तो ये वाला जरा पोजीशन के एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है छेवू पूछा है। तो देख अब देखो कार्बन का डबल कौन रे हाइड्रोजन और कितना ज्यादा तो एक रास से बताओ हाइड्रोजन एक कमी नहीं यानी माइनस वन है यानी हाइड्रोजन एक वो कम है ना तो यानी कहने का मतलब माइनस एच यदि घटा देंगे यानी एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन यदि घटा देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल में। अरे किसमें एल्काइल में तो की जरा ध्यान से देखना यहाँ पे और एल्काइल को किससे इंडिकेट करते बाबू आर से किससे आर से यानी इंडिया हो या इंग्लिश या दोनों से में एल्काइल बुलाती एल्केन का सुनो एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन घटा दे तो बताओ ए एनी ना रह के का जुड़ जाएगा वाई एन। अरे का जुड़ जाएगा का जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे केकरा से रे केकरा से तो केकरा में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्काइल को किससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से कैपिटल आर से कहे का मतलब है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+ और एक ग्राम में से कितना हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो क्लियर। अब देखो एक वो बताओ हम बताए थे मेथेन मेथेन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है अभी एल्केन का रे CnH2n+ और मेथ कहे के मतलब है कितना कार्बन का यहाँ एन बराबर वन पुट करते बाबू रे तो सी वन टू गुने वन और प्लस टू तो सी वन एच फोर हो जाएगा अरे सी वन कितना एच फोर कब जब एन बराबर वन पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या सी एच फोर सी एच फोर मेथेन का। अब हमरा बताओ मेथेन से हमरा कब लाइल है एकरा में से एल्केन ग्रुप में से यानी मेथेन में से एक हाइड्रोजन का करेंगे अरे घटाएंगे तो यानी कहने मतलब घटाएंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन कैसे बचेगा तो ये बताओ एकर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री हो गया तो एक बोलेंगे सी एस थ्री अरे समझा तो ये बताओ मेथेन था जी और ये बन गया अब का मिथाइल अरे नर है
अब ये ने जस्ट बताए कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन यदि घटाते हैं तो एल्केन हट के का जुड़ जाएगा वाईएल। तो यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। अब का ची इथे ना, तो यहाँ पे एन बराबर कितना पुट करेगा दो, काहे इथे बोला तो यहाँ पे सी टू दुदुनी चार और चार दो कितना यानी हो जाएगा यार सी टू एस नहीं काहे इथ कहने का मतलब एन बराबर कितना दो। तो जैसी बाबरे अभी का है इथेन नहीं कार्बन का डबल दुदुनी कितना ज्यादा ज्यादा बोलो हो गया। आप बताओ एकरा में से हम इथाइल में कन्वर्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन घटाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसे घटाएंगे तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और फ्री होगा तो सी टू एच फाइव। अरे सी टू एच फाइव बोलो हो गया। तो एकरा बोल लेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे इथाइल। अच्छा पेंटेन के चौड़ी फार्मूला बता देगा, तो पेंट कहे के मतलब कितना कार्बन यानी एन बराबर पांच। तो यहाँ पे पुट करो बोलो सी फाइव हो जाएगा और पांच दूनी कितना दस दो, तो बोलो पेंटिन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा और एकरा में से पेंटाइल में बदले खातिर बाबू एक रूप हटावे खातिर कितना हाइड्रोजन घटाना पड़ेगा एगो, तो माइनस में एच करेगा तो यहाँ पे काज हो जाएगा एगो बढ़ाव फ्री हुआ और एगो हाइड्रोजन हटा से एगो बढ़ाव फ्री हुआ ना, तो यहाँ पे बचेगा काची सी फाइव एच। तो एकरा बोल रहे पेंटेन और जब एकरा में से एक हाइड्रोजन घटेगा तो बोलता है पेंटाइल। समझ में आया तो आप लोग के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेगा कि वन डिग्री पर फिक्स और वन डिग्री पर फिक्स के सॉरी वन डिग्री सफिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर हम बताए क्या एल्केन के बारे में पढ़े और एल्केन से हम का बनाए लो पढ़े एल्काइल और हम जनरल फॉर्मूला पढ़े जो बोर्ड में चेहू का हरे पूछा जाए। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है यार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और खास करके बोर्ड में ये बहुत काम आएगा 10th एंड 12th के लिए।